अक्सर देखा जाता है कि कोई भी पुरुष अपनी प्रेमिका पर हाथ नहीं उठाता या फिर उस पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करता, लेकिन एक अध्ययन में इस बात को गलत बताया गया है। जी हाँ, दरअसल एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में लगभग 10 में से 6 पुरुषों ने कभी ना कभी अपनी पत्नी के साथ प्रेमिका पर भी हिंसक व्यवहार किया है, और उन लोगों में यह प्रवृत्ति अधिक देखी गई है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सेंटर पर रिसर्च ऑन वुमेन ने भारत में पुरुषों को अपनी पत्नी और प्रेमिका के प्रति हिंसक रवैये को लेकर अध्ययन किया है, जिसमें 60% पुरुषों का मानना है कि हमें प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैसलों में पत्नी अथवा प्रेमिका के मुकाबले हमारी ज़्यादा भूमिका रही है। तो वहीं अध्ययन के मुताबिक 52% महिलाओं ने कहा कि उन्हें किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा। 48% महिलाओं ने घसीटे जाने, पिटाई, थप्पड़ मारे जाने तथा जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नों की बात स्वीकारी है। बताते चले कि इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 9,205 पुरुषों और 3,158 महिलाओं से बात की गई। तो वहीं ICRW एशिया के क्षेत्रीय निदेशक ने एक बयान में कहा कि अध्ययन के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बचपन के अनुभवों से ही पुरुष ऐसा कुछ सीखते हैं। बहरहाल, इससे हमें यह सीखना जरूरी है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करें, खासकर लड़कों की परवरिश पर किस तरह से ध्यान दें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए नीतू की रिपोर्ट।